तहलका अरुण और चिंटू ने एक मीटअप किया कल। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हुई और भीड़ के बीच में कुछ ऐसा बड़ा कांड हुआ कि अगर वो चीज मुनावर फारूखी के फैंस कर देते ना, अभिषेक के फैंस कर देते ना, अगर मनारा के फैंस कर देते तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता और हेटर्स इतनी उंगलियां उठाते कि सोशल मीडिया पर गाली पे गाली, गाली पे गाली। ज्यादातर मुनावर फारूखी के फैंस अगर ये कांड कर देते तो उनकी जो है ऐसी तैसी फेरी जाती सोशल मीडिया पर। अब जो है मैं कुछ लोगों की ऐसी तैसी फेरना चाहती हूँ। ये जो क्राउड होता है, ये जो भीड़ होती है ना, भीड़ जो है छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाती है। आज जो है ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है जिसका मुद्दा बना नहीं, और अब मैं इसका मुद्दा बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा हक बनता है इसके ऊपर बात करना। तहलका अरुण और समर्थ ने एक मीटअप किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी, स्टेज हुआ बिग बॉस का, बदल गए हैं दिन, बदल गई हैं रात, इन्होंने गाने गाए, डांस किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत ही बढ़िया बात है। एक गाड़ी में ये रोड पे जा रहे थे, उस गाड़ी के आगे जो है एक फ्लैग, वो गाड़ी का आगे जो है पूरा स्टिकर जो है अपने इंडिया का फ्लैग था। तो उस फ्लैग के लिए क्या करना चाहिए, उस फ्लैग को इज्जत करनी चाहिए चाहे फ्लैग कहीं पर भी है, क्योंकि हमारे इंडिया का वो फ्लैग है। तो वहाँ पर जो है भीड़ में लोग जो खड़े हुए थे, ये लोग तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के जो है डांस कर रहे थे, बट फैंस इतने ज़्यादा पागल कि उन्होंने जो है फ्लैग को देखा तक नहीं और वो फ्लैग के ऊपर चढ़ चढ़ के जो है पैर रख के जा रहे थे। ये फोटोज जो है सोशल मीडिया पर है, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, मेरी वीडियो के थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ की कितनी गंदी हरकतें जो है लोगों ने की है। ये वही लोग हैं जो कि बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो कि एक्चुअली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको ये चीज़ समझ नहीं आया कि हमारे इंडिया के फ्लैग को क्या इज्जत देनी चाहिए, क्या पैरों में रोंदना चाहिए चाहे वो कहीं पर भी है। आप पैरों में रोंद नहीं सकते हैं। यही बात है कि अगर ये बात सीरियसली मुनावर फारूखी के फैंस कर देते ना तो इतना हल्ला मचता, हिंदू मुस्लिम हो जाता, इतना सब चीज़ें होती और बहुत गंदी गंदी बातें की जाती और अब भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें की जाती है। तो भाई ये क्या है, मेरा हक बनता है इसके ऊपर आवाज़ उठाना और मैं इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ। जिन लोगों ने ये चीज़ें की है, या तहलका और अरुण और समर्थ ने ये भीड़ जमा की, उन्होंने भी ये चीज़ के ऊपर रोक नहीं लगाई, मैं चाहूँगी कि वो लोग हमारे इंडिया के फ्लैग की इज्जत करते हुए माफ़ी मांगे उनकी तरफ से जिन लोगों ने ये चीज़ की है, क्योंकि उन लोगों को तो हम नहीं जानते, वो एक भीड़ है। इन लोगों को जरूर जानते, तो इन लोगों का बनता है एक वीडियो सामने आके माफी मांगने का। क्या कहते हैं, इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।